is the difference between the sea that in Africa and India? So, Shikale, good morning. Thank you for asking this question. Look, Africa is a continent. हम लोग भारत के बारे में भी कहते हैं कि भारत एक देश तो है ही है लेकिन कॉन्टिनेंट की तरह है। तो जब हम लोग अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। तो किसी भी इतने बड़े कॉन्टिनेंट में जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा और अफ्रीका में भी वो है इस ह्यूज डाइवर्सिटी, अ लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। इवन माली में मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ बहुत से लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच का वहाँ पे रूल था 19th and 20th century में, तो कई लोग फ्रेंच बोलते हैं लेकिन बम्बारा उनकी भाषा है, जैसे हिंदी हमारी भाषा है यहाँ पर ज़्यादातर लोग बोलते हैं, कम से कम नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं। इसी तरह बम्बारा एक भाषा है उनकी, ज़्यादातर मालियंस बम्बारा बोलते हैं। उसी तरह पूरे अफ्रीका के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कंट्री टू कंट्री लैंग्वेज बदलता है, उनके ट्रेडिशंस बदलते हैं, म्यूज़िक बदलते हैं, खान पान बदलता है। और अगर आप ज्योग्राफी भी अगर देखेंगे पूरे अफ्रीका का, क्योंकि कई बार क्या होता है, और ये चीज़ मैं थोड़ी देर पहले बताने की भी कोशिश कर रहा था कि हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग अफ्रीका के बारे में बात करते हैं तो उसे एक मोनोलिथ की तरह समझते हैं, वो पूरा अफ्रीका एक है। जिस तरह भारत में विविध भाषाएं हैं, ठीक है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, एक स्टेट से आप दूसरी जगह जाएं तो बिल्कुल अलग है कल्चर, क्विजीन, खान पान, रहन सहन के मामले में, उसी तरह अफ्रीका में भी ये डाइवर्सिटी है। और नेचर भी अलग अलग जगह, जैसे सहारा डेजर्ट है, अगर आप मैप देखेंगे अफ्रीका का तो ऊपर सहारा डेजर्ट है, उसके बाद एक साहिल रीजन कहते हैं जिसमें डेजर्ट और ग्रीन के बीच वाला जोन है, उसके बाद नीचे काफ़ी ग्रीन है। तो उसी तरह तो अफ्रीका काफ़ी डाइवर्स है और बहुत ही रिच इन रिसोर्सेज, रिच इन कल्चर, रिच इन डाइवर्सिटी, रिच इन लैंग्वेजेस। इसके बारे में मुझे कुछ कहना है जो विच आई फील वेरी पैशनेट अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट एज इंडिविजुअल्स, जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स, एवरी कंट्री, एवरी कॉन्टिनेंट हैज़ इट्स ओन पर्सनैलिटी, इट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से हम लोगों को बचना चाहिए कि ये अच्छा या ये अच्छा। मैं कहूँगा दोनों अच्छा है, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों जगह की जो खासियत है, खूबसूरती है, उसको हम लोग जानने समझने की कोशिश करें, उसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो वो प्राप्त करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि ये अच्छा ये अच्छा। मैं कहूँगा दोनों अच्छा है, जैसे आप लोग दो बच्चियाँ हैं, दोनों अच्छी हैं, दोनों की अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए कि ये अच्छी, आप किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा, ये किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा, ये किसी चीज़ में ज़्यादा रिच, ये किसी चीज़ में ज़्यादा रिच, किसी चीज़ में आपकी ज़्यादा पकड़, किसी में इसकी। उसी तरह दो देश दो कॉन्टिनेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे हम लोग को जब भी किसी दो देश दो कल्चर दो सिविलाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हों तो हमें कौन बेहतर कौन खराब से ज़्यादा उनके डिस्टिंक्टिव चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा विचार है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊंगा ये चीज कि 2003 में 286 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 286, और एज अ जनरल कैंडिडेट माई रैंक वॉज 48, ओके, ऑल इंडिया 48 रैंक। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के समय ना, आप जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें कई सर्विसेज हैं, तो आपको अपना चॉइस लिखना पड़ता है। मसलन कुछ लोग IPS को पहले लिख देते हैं, IAS तो रहता है वहाँ पर, कुछ लोग IFS को लिख देते हैं पहले, इसी तरह अपने अपने चॉइस होते हैं। मेरे केस में क्या किया था, मैंने वो जो लिस्ट है उस लिस्ट को मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, बस जैसे लिस्ट फॉर्म में था उसी को मैंने लिख दिया था। तो 48 रैंक पे मुझे फॉरेन सर्विस मिला, और अगर 2003 में मुझे अगर वापस ले जाया जाएगा और मुझसे पूछा जाएगा कि इतने सालों बाद अब दोबारा जब तुमसे पूछा जाएगा तुम क्या करना चाहोगे, तो मैं फॉरेन सर्विस।
एम्बिशन, एम्बिशन मेरा सच बात बोलूं तो मेरा एम्बिशन जिस वक्त हम एग्जाम लिख रहे थे, बहुत ईमानदारी के साथ आप लोग दोनों छोटे बच्चों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरा ये था कि फर्स्ट थ्री में से कुछ होना चाहिए, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था मुझे क्या मिलेगा। ये मैं बहुत ईमानदारी से इस चीज़ को रखना चाहता हूँ कि 48 रैंक पे 2003 में मुझे फॉरेन सर्विस मिली, लेकिन आज कितने ऑलमोस्ट 20 साल के बाद, अगले साल 20 साल हो जाएगा, अगर मुझसे कोई दोबारा पूछे वापस 2003 में ले जाके कि बोलो तुम क्या करना चाहोगे, इतने सारे अनुभव के बाद मैं कहूँगा तुम्हें दोबारा फॉरेन सर्विस। सबसे शुरू में तो मैं फास्ट बॉलर बनना चाहता, ये मेरे जहन से बाहर नहीं निकलता, मेरे जहन से बाहर नहीं निकलता है कि जब हम छोटे थे तो, और पापा उस चीज में भी, हमारे पापा बड़े लिबरल मतलब एक प्रोफेसर थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, तो क्रिकेटर जब भी मैं बोलता था तो उस वक्त मेरे लिए किताब लेकर आए थे, द आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय द ग्रेट फास्ट बॉलर डेनिस लिली, वो मेरे लिए किताब लेकर आए थे, और हर महीने क्रिकेट सम्राट वगैरह वगैरह सब कुछ हम पढ़ा करते थे, मुझे वो कॉम्पिटिशन्स में जाने देते थे, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन होता था उसमें जाने के लिए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे घुटनों में बहुत दर्द भी हुआ और उधर क्रिकेट में आगे भी नहीं बढ़ रहे थे, पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये काम नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, फिर आगे बढ़ते चले जाना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे नई नई चीज़ें आती जाएंगी, तो किसी चीज़ को से इतना दुखी नहीं होना, मैं यही बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार मन चाहे चीज़ नहीं हो, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद आपको लगेगा कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए डट करके रहना है, आगे बढ़ना है, ताकि वो दिन देख पाए जब आपको महसूस हो कि अच्छा हुआ था वो नहीं हुआ, डट कर रहना है। If you get a chance to develop India, what should you do for India? मुझे लगता है कि देखिए किसी भी देश की उन्नति में एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने भारत में ही देखिए, एजुकेशन has brought about a revolution। जैसे अपने देश में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं जहाँ पे पेरेंट्स बड़े किसी हम्बल काम में किसी चीज़ में वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आजकल हमेशा न्यूज़ में आता है कि किसी के पेरेंट्स अगर सब्जी बेच रहे हैं या फिर ऑटो चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारा अपना अपनी कोशिश ये की कि बच्चों को पढ़ाई करने का मौका दें, और बच्चे कुछ सालों में वो चाहे तो इंजीनियर बन जाते हैं, IIT चले जाते हैं, सिविल सर्विसेज या और भी कुछ बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल, और और भी बहुत सी चीज़ें हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ आता है, लेकिन अगर किसी एक चीज़ का नाम लेना पड़ेगा मुझे, मैं कहूँगा एजुकेशन इज द की टू डेवलपमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू।